दिनों से बीमार पड़ा था। घर वाले ने रोकी कि बाहर ना जाओ, तुम सुन पयो नहीं वे कछु कहे, तुम कछु कहो। बोले अरे हम तो अपने अंदाज से सब कुछ बात समझ जाएंगे। बोले ठीक है जाओ। मित्र को देखने गए, मित्र बीमार पड़ा, बड़ा बीमार रहे। पूछी जवाब, पूछी कहा है कि भैया जी बताओ ठीक हो? जो मित्र बीमार पड़ो तो कान लगे अरे ठीक कहा मर रहे हैं। अब जिन्हें सुनाई नहीं दे रहा वे तुक्का लगान लगे, कान लगे अरे तब तो सही है। बिन्ने कही के मर रहे और जिन्हें सुनाई नहीं दे रहा वे कान लगे अरे तब तो सही है। दूसरी बात कही, भैया कौन से हॉस्पिटल से इलाज करवाए रहे? बोले हम लोग से करवाए रहे। अब जिन्हें सुनाई नहीं दे तुक्का लगाए के कान लगे अरे वो तो हॉस्पिटल वाला अच्छा है, बड़ा अच्छा इलाज होता है। तीसरी बात कही, भैया जा बताओ डॉक्टर ने खाएवे के लिए का बताओ? कान लगे पत्थर बताए। अब बहरे जो जिन्हें सुनाई नहीं दे कान लगे अरे भैया ये तो भोजन बड़ा अच्छा है, बहुत जल्दी पचता है। तो बीमार तो पड़े थे लेकिन गुस्सा ऐसी आई कि पीठ में लठिया एक दही, वो कही जा यहां से, अरे तू मारने आया या फिर मुझे देखने आया? तो इसलिए मैं कहती हूँ कि जब थोड़ो कान से सुनाई कम देने लगे तो कहूं नहीं जाए वो चाहिए, आंखें से थोड़ो कम दिखाई देने लगे तो भी नहीं जाना चाहिए। लेकिन आजकल के बब्बा मानत का है, बब्बा से कह दे बब्बा नाती के बरात में ना जाओ तो बब्बा कहे अरे तू ही अकेलो रसगुल्ला खाए वो जानते का, हम नहीं जानते, हम तो जरूर जाएंगे। और बब्बा सबसे पहले बस में बैठ लिए जाए। भैया एक बरात चली, बब्बा चले आखिर से थोड़ो कम दिखाई देते रहे उन्हें। जब बरात चली जेठ वैसाख को महीना रहे, लड़की के द्वार पे बरात पहुंची, डबुआ पत्तल करे गए, ऐसी आंधी आई कि सबके डबुआ पत्तल उड़ाए ले गए। काऊ ने उन बब्बा को जिन्हें आंखों से दिखाई नहीं दे तो उनको काऊ ने डबुआ पत्तल उठाए के नहीं रखो, उनकी बरात में गंजे और गए थे। उनने डबुआ पत्तल उठा उनके सामने रखो और सामने रख के उनने एक ईंट को टुकड़ा छोटो सो रख दो कि अब की बार अगर हवा आए तो डबुआ पत्तल ना उड़े। काफी देर हो गई, भैया पत्तल पे कछु नहीं आओ, काफी देर हो गई। अब आंखों से दिखाई तो देत नहीं तो उनने हाथन से अपने पत्तल को देखो तो कछु ना आयो, लेके हाथ में पड़ो ईंट को टुकड़ा हाथ में पड़ गो। और ईंट को टुकड़ा जैसे ही हाथ में पड़ो तो दिखाई तो देत नहीं झुका है। कान लगे आओ तो बड़ी देर में आओ, लेकिन आया बड़ा टाइट। हमें लगता है कि जा लल्लू नगला वाले लोगन को मिठाई बनावे की अकल नहीं है। देख लियो जब मैं खोया कमडारो चाशनी इतनी चढ़ाए दी कि जब बर्फी कितनी टाइट हो गई। हाथन से तोड़न लगे लेकिन ईट को टुकड़ा हाथन से ना टूटो। दांतन से खान लगे लेकिन भैया वे दांतन सिलम मारे गए, वो ईट को टुकड़ा दांतन से नहीं कटो। और जब ना कटो तो ऐसी गुस्सा आई कि ईट को टुकड़ा फेंको, और जैसे ही फेंको तो पीछे गंजे बैठे रहे उनकी चांद में जाए कि लगो। गंजे के मुंह से आवाज निकल गई, भैया तेरो फूटो या ना फूटो लेकिन मेरो तो फूट गयो। बोलिए गोविंद भगवान की। तो इसलिए कभी भी आंखों से अगर कम दिखाई देता है तो कहूं की बरात में